और देखिए इस तरह से दिखाने का जो हम कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारे दूर दूर से लोग आए हुए हैं जो कि शादी विवाह के जो कार्यक्रम है यहाँ पर शादी करवाने के लिए जो लोग हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद। कहाँ से आप लोग आए हैं सर? पोखरा से, नासरीगंज। पोखरा नासरीगंज से। कैसा माहौल है यहाँ पर? ठीक है, अच्छा है। क्या कहेंगे हमारे पीरो अनुमंडल में इस तरह से जो कार्यक्रम हो रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। आज के समय में जो भी समाज में जो दहेज ले रहे हैं, दहेज दे रहे हैं, इसके लिए मतलब दहेज मुक्त तरीका से। हाँ, वो तो है। कहाँ से आई बनी चाची? हाँ बाबू, आज मैं तुम देखे खाते देखा। देखिए इस तरह से हम दिखाने का जो काम कर रहे हैं, और जानेंगे भी यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं जो कि शादी जो यहाँ पर हो रहा है सभी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? रोहित कुमार। कहाँ से हैं? पोखरा से। हेलो, आप इस तरह से जो कि जानने का हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, और जो माहौल है काफ़ी अच्छा माहौल है। इस तरह से जो कार्यक्रम हमारे समाज में अगर हो रहा है, तो जो भी हमारे समाज में जो दहेज ले रहे हैं, दहेज दे रहे हैं, या फिर बाल विवाह होते हैं, उन लोगों के गाल पर एक तमाचा भी है, और इनसे हम जानेंगे कि कैसा लग रहा है इस तरह से कार्यक्रम में आकर शादी अटेंड करना। क्या सर, क्या कहेंगे इस तरह से जो कार्यक्रम हो रहा है हमारे समाज में? तो बोलिए क्या कहा जाए। हमारे समाज में बहुत सारे जो लोग होते हैं, हमारे समाज में बहुत सारे जो लोग होते हैं दहेज लेते हैं, दहेज लेते हैं, लेकिन इस तरह से जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहें इसके बारे में यहाँ पर पीरो भोजपुर में? लग तो ठीक ही रहा है, लेकिन भूख भी लग रहा है। भूख भी लग रहा है? भूख लग रहा है पूरा ना। अच्छा, तो कार्यक्रम अभी जारी ही है। इतना गर्मी लग रहा है। अच्छा, दुल्हा है आप यहाँ से ना? हाँ। चलिए अच्छा है। और माहौल कैसा है यहाँ पर? माहौल ठीक है। पहले आप कभी सोचे थे कि यहाँ पर आकर इस तरह से जो कार्यक्रम होगा और शादी आप लोग अटेंड करेंगे? नहीं, पहले तो नहीं सोचा था, पहले द्वार पर जाने का सोचा था। चलिए अच्छा है। आप लोग आप जैसे आदमी जो है बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो दूर होगा। क्या कहेंगे चाची आंटी जी, ये जो कार्यक्रम हो रहा है इस तरह से, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो हो रहा है सो गरीब का सहाय के लिए है, ठीक है। और हमारे समाज में इस तरह से जो कार्यक्रम हो रहा है, कोई भी जो गरीब लोग हैं या फिर असहाय लोग हैं, जो अनाथ लोग हैं, या फिर जो पैसा नहीं खर्च करना मतलब चाहेगा, या फिर जो समाज में दहेज ले रहे हैं, दहेज दे रहे हैं, उन लोगों के एक तमाचा है गल पर। ठीक है, दहेज लेने के भी लिए जितना शक्ति है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा है ना। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग नासरीगंज से आए। नासरीगंज से। अच्छा, माहौल कैसा है यहाँ पर आप लोग आए हैं? माहौल ठीक है, जो है सो ठीक है, अच्छा है। आप लोग कभी सोची थी कि इस तरह से कार्यक्रम में आप लोग आएंगे? नहीं। लेकिन अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर? ठीक है, ठीक। काफी सभी समाज के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, जुटे हुए हैं शादी। जी जी, पहला बार हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पीरो में पहला बार हो रहा है यहाँ पर। हाँ, इसीलिए। और भी यहाँ पर हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर इस कार्यक्रम में? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, क्या कहेंगी इस कार्यक्रम के बारे में आप? देखिए, हम जानने का जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग यहाँ पर नासरीगंज से लोग आए हुए हैं जो कि वार्ड पक्ष के जो लोग हैं यहाँ पर, इनसे हम जानने का जो काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा माहौल भी है और सभी लोग खुश हैं। सभी लोग जितने लोग हैं सभी लोग खुश हैं कि इस तरह से ओपन में सभी बहुत सारे जो वर वधु लोग आएंगे और एक साथ में शादी अटेंड करेंगे, और सभी व्यवस्थाएँ यहाँ पर रहने के लिए घर भी बनाया गया है, सभी खाने के लिए व्यवस्था भी है, और जो जिस तरह से बहु बेटियों को दिया जाता है अंत में विदाई के समारोह, विदाई के बाद दिया जाता है विदाई के समय में, वे सब सामग्री का भी व्यवस्था है, उचित व्यवस्था है। और यहाँ पर भी हम जानेंगे कैसा माहौल है यहाँ पर। आइएगा सर। और जो कि यहाँ पर वर पक्ष के जो लोग हैं कुछ, इनसे भी हम जानते हैं क्या कहेंगे इस तरह के शादी के बारे में। क्या नाम पड़ी चाचा राहुल? गुप्तेश्वर राम। कहाँ से आई बनी? हरकिशनपुर। कहाँ हरकिशनपुर? बक्सर थाना। बक्सर जिला में है ना? हाँ, बक्सर जिला। अच्छा, कभी रुआ सोचले रही पिता बनी रुआ? हाँ। कभी रुआ सोचले रही कि अपन मतलब बेटा की इस तरह से कार्यक्रम में मतलब आयोजन बहुत अच्छा तरीके से होता शादी हुई? ना। कैसा लगा तुड़ुए? ठीक लगता है। अच्छा लगा था ना? हाँ, अच्छा लगा। क्या कहम इस कार्यक्रम के बारे में रुआ? क्या कह, अच्छा न कह। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? कमलापति राम। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहले ही बताइए, कभी आप सोचे थे कि इस तरह के कार्यक्रम में आकर और शादी अटेंड करेंगे? कभी नहीं। लगभग 9 से 10 लोग यहाँ पर एक साथ आप लोग शादी अटेंड करेंगे, सभी लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहम चाचा, जो आयोजन जो करवाओ तो यहाँ के, यहाँ का नाम का? राजू पाठक नाम है। राजू पांडे। राजू पाठक के बारे में क्या कहूँ? कहूँ कि वहाँ का बहुत बढ़िया से ब्याह शादी करावा।
हमारे समाज में ऐसा कार्यक्रम हो तो आए वाले जितने भी गरीब गुरबा या फिर अनाथ लोग बड़ा या फिर कोई दहेज लेता दहेज देते हुए ना हो पाई ऐसा कार्यक्रम अगर हो तो ठीक ना हो ना 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 जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से हम जानने का जो काम कर रहे हैं कैसा लगा था चाची यह माहौल? ठीक बा तो सोचते रही जा कि कभी मतलब ऐसा माहौल में ब्याह के शादी वादी हुई? ठीक बा हाँ आवल जाए चलिए अच्छा बढ़ुए। और हम जानने का जो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर पीरो भोजपुर जो कि पड़ाव ग्राउंड में जो एक कार्यक्रम जो हो रहा है कैसा लग रहा है इस जो आयोजन जो हुआ है बताइए? अभी कुछ नहीं कुछ नहीं बताइएगा। और काफ़ी काफ़ी लोग खुश भी हैं यहाँ पर आकर भी और लगभग 9 से 10 लोग जो वर वधु पक्ष के जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं शादी अटेंड करने के लिए वर पक्ष से कुछ बात भी किए हैं तो वे लोग का कहना है कि इस तरह से जो कार्यक्रम है कार्यक्रम होना चाहिए ताकि हमारे समाज में जितने भी गरीब लोग हैं असहाय लोग हैं उन लोगों का जो बढ़ावा होगा। और इनसे भी हम जानेंगे क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। कार्यक्रम बहुत मतलब अच्छा कार्यक्रम हो रहा है इसमें बहुत खुशी मिल रही है कि गरीब आदमी का भी कल्याण हो रहा है और समाज में जो लेन देन की प्रोसेस है वो कम से कम मतलब हाँ खत्म हो जाएगा। और मतलब गरीब आदमी है जिसके पास लड़की है वो तो बेचारा उसके लिए तो बेटर है एकदम बेटर है बहुत खुशी। हम यहाँ विक्रम से आए हैं शादी अटेंड करने के लिए हाँ हाँ शादी अटेंड करने के लिए से मतलब किस यहाँ ये मामा के लड़का पोखरा से लोग आए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह के। बहुत अच्छा हमको लगा आज की भाई बहुत अच्छा लगा कि अच्छा नहीं लगा इस माहौल में कम से कम मतलब गरीब लोगों का जो भी लड़की है सबका कल्याण हो रहा है बहुत अच्छा ये बहुत अच्छा सोच है ऐसा ही हो सबको होना चाहिए लेन देन वाला प्रोसेस खत्म ही हो जाए तो बेटर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और काफी अच्छा लग रहा है और सही बात भी बोले भैया जो है कि जो हमारे बीच में समाज में जो है हमारे समाज के बीच में जो लेन देन का जो प्रक्रिया होता है यानी दहेज दहेज मुक्त भी होगा इस तरह से अगर कार्यक्रम हमारे समाज में होता रहेगा तो। और भी आए हुए हैं इनसे भी हम जानेंगे क्या कहेंगे भैया क्या नाम है? हम नहीं कुछ कहेंगे। कैसा लग रहा है इसके बारे में बताइए? सही है सही है। लग रहा है ना इस तरह से कार्यक्रम होना चाहिए कि नहीं समाज में? सही 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 है। कहाँ से आए हैं? पीरो से। पीरो में तार तार से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए इस कार्यक्रम में बढ़िया लगा था ना तार चल रहा बढ़िया लगा तो कि ना यही मिले तो बोलो तो बोलो बढ़िया लगा तो भैया तो बहुत सुंदर है बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हम जानने का जो काम कर रहे हैं और जो प्रोग्राम भी है बगल में प्रोग्राम भी रंगा रंग कार्यक्रम जो हो रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो रहा है काफ़ी अच्छा है। और इस तरह से जो इनिशिएटिव है जो पहल है राजू पाठक जी के द्वारा काफ़ी सराहनीय है और अच्छा है। इस तरह से कार्यक्रम जो है हमारे समाज में होना चाहिए इस तरह से दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। थैंक यू। जय हिंद।